नए चैप्टर का नाम हस्तकला या है, हैंडीक्राफ्ट है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्टिंग में लिखवा दिए एक बार देख स्पीड से फिर हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे देखो जैसे हाथी दांत है ना आइवरी आइवरी वर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में तो हाथी दांत की चूड़ियां जो है वो जोधपुर वाले ज्यादा पहनते हैं प्रश्न आया है बिल्लिया क्या होते हैं बिल्लिया है ना आभूषण चैप्टर में आता है तो बिल्लिया क्या होते हैं हाँ वाला मामला है तो सबसे बढ़िया हाथी दांत की चूड़ी वो पहते हैं लोग वाइट कलर का चूड़ा जो पहनते हैं हालांकि मैं तो गौर खिलाफ हूँ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए हाथी को मारते हैं उसके लिए जो महिलाएं ज्यादा हाथी दांत की शौकीन है चूड़ा वूडा पहनने की आजकल नकली भी मिलता है वो ही खरीदे आपको हाथी दांत चूड़ा पहनाने के चक्कर में शिकारी पोचर्स बोलते हैं उनको वो जाके हाथी को मारते हाथी आप, आपके दाँत आपको ऐसी निकालने दोगे कि आप जिंदे ही तो फिर हाथी का दांत पूरे अंदर तो धसे होता है वो मार के उसको काट के फिर निकालते हैं वो पूरा दांत तब हाथी दांत का चूड़ा बनता है तो बिल्कुल मत पहनो फिर भी अब जीके में तो पढ़ना ही पड़ेगा तो राजस्थान में कहा है तो राजस्थान में जोधपुर में हाथी दांत का चूड़ा बड़ा फेमस है और वैसे जयपुर भी बड़ा फेमस है हाथी दांत की वस्तुओं के लिए खिलौना वगैरह के लिए लेकिन चूड़ा जोधपुर बाकी चीजें जयपुर देखो नीचे आ जाओ आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको मीनाकारी एक्चुअली क्या सोने पर कलर चढ़ाने की कला को मीनाकारी बोलते हैं ज्यादा लाल रंग चढ़ाया जाता है जो तो कई लोगों की अंगूठी देखी होगी आपने अंगूठी के अंदर यहाँ कलर कलर से होता है मीनाकारी का काम होता है तो पढ़ेंगे हम लोग कौन लेके आए महाराजा मान सिंह जी मान सिंह जी लेके आए से मीना महसे मान सिंह जी लेके आए बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है यहाँ केवल नाम लिखा दिया कहा फेमस है जयपुर तो मीनाकारी की कला के लिए भी जयपुर जो है वो विश्व प्रसिद्ध है संगमरमर का वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा दो अगर आपकी इच्छा हुई कभी कि मुझे संगमरमर की मूर्ति बनानी है मंदिर बनाना है मान लो या कोई मूर्ति बनानी है मंदिर में जो मार्बल लगता है कितनी सुंदर मूर्ति होती है अच्छा वो सस्ती आती महंगी आती चालीस चालीस लाख की एक मूर्ति होती डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ की भी होती है मूर्ति और कई सौ करोड़ की होती कल बताती मैंने द्वारा देवी जी की मूर्ति है ना कई सौ करोड़ की या हजार करोड़ से ऊपर की जो भी तो ऐसी संगमरमर की मूर्तियां फिर आपको मंदिर बनाना है तो चेक कर लो अभी से याद कर लो मूर्ति बनाने कहा जाओगे खजाने वालों का रास्ता जगह का नाम है खजाने वालों का रास्ता जयपुर की जो ओल्ड सिटी है चांदपोल गेट है अंदर जाओ आगे जाकर के इधर आएगा खजाना राइट साइड में आएगा खजाने वालों का रास्ता ठीक है वहां बनता है एक किलोमीटर के लगभग वो लंबी है शायद वो गली काफी लंबी है मतलब और वहां केवल ये ही काम होता है ठीक अब आप बोलोगे नेचर सर वहां तो बहुत कॉस्टली है मामला हम तो और कहीं बनाना चाहेंगे तो भाई देखो एक दूसरी जगह और मिल जाएगी आपको अलवर चले जाओ ऑनलाइन करके स्टार लगाओ किशोरी गांव को अलवर में कौन सा गांव है हाँ संगमरमर की मूर्तियां जो बनती है या तो जयपुर शहर में बनती है ओल्ड सिटी में खजाने वालों का रास्ता या फिर किशोरी गांव किशोरी गांव आर एस में आ चुका है ऑलरेडी प्रश्न ठीक है ये सारे प्रश्न जो आदर नहीं है आदरणीय है सबको हाथ जोड़ जोड़ के पढ़ो आप ये आपकी जिंदगी बना सकते हैं इस पे वैसे दो क्वेश्चन आ गए और दो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा पूरी जिंदगी तनख्वाह मिलेगी आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे आप गाड़ी से घूमोगे हो बंगला होगा है ना हाँ बंगले वाली होगी सब कुछ होगा तो इनको बहुत इंपॉर्टेंस दो जिंदगी में लोग सम्मान देंगे आपको केवल ये याद करने से कि किशोरी गांव कहाँ है कि अलवर में वहाँ क्या होता है मूर्तिकला तो का गाँव इतना मज़ा आ जाएगा आपको देखो ठीक है अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा मेरा पिछले आर एस के बैच में सेलेक्ट हुआ उसके फादर ए थे उसका भी हो गया आर एस के अंदर तो आगे और तैयारी कर रहा है आई भी दे रहा है ठीक है तो जो लोग लगे रहते हैं वो हो ही जाते हैं ठीक देखो इसको उसने जो बात मुझे कही जो मुझे अच्छी लगी उसने कहा सर जो सब्जेक्ट आपसे पढ़े ना वो मैंने आज तक बाकी जगह पढ़े लेकिन कभी नोट्स पढ़ता नहीं नोट्स पढ़ता हूं। ठीक है देखो इसको आगे देख लेते हैं तो किशोरी गांव में है लकड़ी खिलौने वाले ये बस्सी गांव बहुत पूछा गया भाई इसको स्टार लगाओ बस्सी पढ़ेंगे हम सुधार जाति के लोग वहां ज्यादा रहते हैं ठीक बस्सी दो है एक जयपुर में भी बस्सी है वहां पे नहीं लकड़ी का काम वहां तो एक हॉस्पिटल है पंचकर्म का चिकित्सालय नेचुरोपैथी का कुछ है तो वो बड़ा फेमस है लेकिन ये बस्सी है अपने चित्तौड़ गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ वाला जो चित्तौड़ है तो इसका मतलब जब चित्तौड़गढ़ जिले में लकड़ी का काम हो रहा है और बस्सी गांव में हो रहा है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ही है तो जरूर चित्तौड़ किले के, के गेट बहुत शानदार होंगे बोलो भाई <laughs> हाँ इसीलिए चित्तौड़ का एक गेट था उसको मुगल खोल करके ले गए थे दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने एंट्रेंस गेट लगाया था उसको है ना पंच धातु अष्ट धातु का जो दरवाजा था उसमें लकड़ी के ऊपर धातु लगी हुई थी और बाद में उसको भरतपुर के राजा जवाहर सिंह खोल के लिया है। और भरतपुर का जो किला है लोहागढ़ उसका एंट्रेंस गेट बनाया प्रवेश द्वार लोहिया पॉल तो इसका मतलब लकड़ी के गेट पे शानदार बनवाने हैं तो कहा जाना है चित्तौड़गढ़ जिले में गांव कौन सा है बस्सी 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 में कौन बस्सी? अरे लकड़ी वालों क्या बोलते हैं खाती हाँ, खाती बस्सी। खाती बस्सी विद परिवार ठीक है तो चित्तौड़गढ़ जिले में याद कर लो अब पढ़ेंगे आगे प्रभात जी सुतार से प्रश्न आया था प्रभात जी सुतार जो थे वो कहाँ के थे तो ये बस्सी वाला मामला है हमारा प्रथम टॉपिक जो है उसका नाम है छपाई इतने प्रश्न आए हैं आप सोच भी नहीं सकते एग्जाम से इतने प्रश्न आए इससे ठीक है तो देखो आप इसको निकालो छपाई छपाई समझते हो प्रिंटिंग हाँ तो कपड़ों के ऊपर जो छपाई होती है मशीनों से भी होती है आजकल लेकिन पहले क्या होता था पहले एक जाति होती थी उसका नाम था छीपा वो लकड़ी के ठप्पे बटखरे बोलते हैं उनको तो वो लकड़ी के ठप्पे लेते थे एक ठप्पा जैसे जैसे कौन सा ये ले लेते ले हैं मान लेते हैं डस्टर को मान लेते हैं ये क्या है इसपे मोर वोर बने हुए हैं पे एक इधर लिया शाही के अंदर और फिर सीधा कपड़े पे फिर शाही पे फिर उसके पास में ऐसे करते करते पूरे कपड़े के ऊपर मोर ही मोर हो गए देखो आप प्रिंटिंग तो छापते थे तो छीपा कहलाते थे ठीक है अच्छा छीपा जाती के लोग एक जगह के बड़े फेमस है वो है सांगानेर के जो छीपा है हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं महाराष्ट्र धर्म महाराष्ट्र धर्म में हम पढ़ते हैं पंडरपुर महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है पंडरपुर वहां पे भगवान कृष्ण का मंदिर है विठोबा या विठल के नाम से उनको पूछते हैं वहां पांच बड़े बड़े संत हुए महाराष्ट्र धर्म में एक नाथ तुकार नामदेव समर्थ गुरु रामदास सुने होंगे आपने नाम है ना न तो वहां हुए जो नामदेव नाम के बड़े संत हुए उनको छिपा जाति के लोग मानते हैं सांगानेर वाले इसलिए वो अपने आप को बोलते हैं नाम देवी छिपे यानी नामदेव को मानने वाले छिपे ठीक है तो चीपों का मामला बड़ा जबरदस्त है है ना छपाई का काम करते थे तो देखो इसको एक तो आजकल तो एक कस्बे का नाम ही चीपों के ऊपर हो गया है चित्तौड़गढ़ जिले में एक कस्बा था आकोला आकोला की छपाई जाजम छपाई बहुत एग्जाम पूछी गई है जाजम छपाई कहाँ की फेमस है तो चित्तौड़गढ़ जिले का आकोला ठीक है इतने छिपा है वहाँ इतने छिपा है चित्तौड़गढ़ के आकोला में कि आजकल उस गांव का नाम हो गया है छिपो का आकोला ठीक है और जहाँ की जाजम छपाई विश्व प्रसिद्ध है ठीक है उसको आजम प्रिंट भी बोलते हैं अकोला प्रिंट भी बोलते हैं ठीक तो देखो इसको तो छपाई हमने शुरू कर दी है बड़ी बड़ी जगह हैं जैसे बाड़मेर की छपाई अपने जयपुर में दो जगह फेमस है बगरू और सांगानेर दो जगह की छपाई बड़ी फेमस है ठीक है काला डेरा भी है जयपुर में और चित्तौड़गढ़ जिले में बस्ती जो है वो छपाई लकड़ी का सारा काम होता है तो ठप्पे किससे बनते होंगे लकड़ी के तो वहाँ से भी मामला ठीक है पाली तो फेमस है ही छपाई के लिए पाली में कौन सी नदी की ऐसी तसी हो गई है छपाई के सारा केमिकल उसी में डालता है पाली के अंदर बांडी नदी है बांडी पाली की लड़कियां कैसी होती है बांडी ऐसे याद करना है? होती नहीं होती बहुत सुंदर है लेकिन याद करना है ठीक है हाँ तो पाली की लड़कियां कैसी होती है बांडी और जालोर की होती है सुखड़ी हाँ और मेरा गांव जालोर में सबसे सुंदर लड़की है जालोर पाली की होती की है हालांकि है ना लेकिन फिर भी याद करने के लिए मैंने बता रहा हूँ आपको ठीक है तो पाली शहर से आप जैसे ही गुजरेंगे एक अजीब सी दुर्गंध आपके जो नो स्ट्रिल्स हैं आपके जो नथुने हैं उसमें भर उठेगी और आपको लगेगा अरे गाड़ी का कांच बंद कर लो वो बदबू आती है क्योंकि पाली में सारा प्रिंटिंग इंडस्ट्री है और वो सारा जो केमिकल है वो उठा करके बांडी नदी में डाल देते हैं जो आप जानते हो लूणी की साग नदी है ना भाई हाँ और ऐसा एक शहर है बाड़मेर जिले में बालोत्रा वहाँ सारी प्रिंटिंग होती है उसका सारा केमिकल वो लूणी के किनारे पटा था ना लूणी नदी था पास में बसा हुआ बालोत्रा थोड़ा सा नीचे बसा हुआ है, है राजस्थान में एक शहर है तो घग्गर में डूबता है, तो है लूणी में पानी आता है तो बालोत्रा डूब जाता है ठीक है तो वहां भी वो सारा सारा केमिकल छपाई का सारा जो कचरा है केमिकल है उससे लूणी नदी और पाली में बांडी नदी बर्बाद हो रही है ये हालत है कि वहा आस के पांच दस किलोमीटर बीस किलोमीटर तीस किलोमीटर के जो गांव हैं उन गांवों के जो खेतों में कुआ होता है ट्यूबवेल का पानी नीला नीला आ रहा है पी नहीं सकते उस पानी को तो हम देख लेते हैं छपाई का मामला क्या है पहली छपाई कहां की पड़ेंगे सांगानेरी छपाई अच्छा सुन लो जयपुर कोई गया हो यदि जयपुर में एक नाला है अमानी शाह का नाला अमानी शाह कोई संतवंत रहे हुए मेरे हिसाब से उनके नाम पे होगा अमानी शाह का नाला जो भी है अच्छा अमानी शाह का जो नाला नाम तो वर्तमान में हुआ है पहले तो वो द्रव्यवती नदी थी वसुंधरा राज्य गवर्नमेंट के, के समय में इसको बाकायदा उसका पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया काफी इंजीनियर्स के बारे में हुए होंगे मुझे पूरा विश्वास है करोड़ों रुपए आए होंगे उसके अंदर तो जयपुर शहर जो है उसमें वो द्रव्यवती नदी को अमानी शाह का नाला बोलते हैं जो जयपुर के बीचों बीच गुजरता है वो सारा गंदगी उसमें डालते हैं और फिर वो आगे होता हुआ वहां जाता है सांगानेर ठीक अब सांगानेर जो है वो जयपुर से थोड़ा दूर पड़ता है वहां अमानी शाह का नाला आता है ढूंढ नदी भी बहती है वहां पे सांगानेर के अंदर ठीक है तो उस अमानिश अब तो गंदा हो गया वो लेकिन प्राचीन काल में जब सांगानेरी प्रिंट अपने चरम पे रहा होगा किसी जमाने की बात है तो ये जो पानी आता है इस पानी में कुछ विशेषता है इसमें धोने से वो कपड़े में वो वैसी चमक आती जैसी कहीं नहीं आती दूसरा मैंने अभी बताया आपको संत नामदेव को मानने वाले छीपे कहा रहते हैं सांगानेर जिला जयपुर जयपुर में दो जगह प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है एक तो बगुरु अपने अजमेर से अपन जयपुर जाते हैं तो रस्ते में आता है ना बगरू हाँ तो रुक जाया करो वहाँ पे वहाँ प्रिंटिंग होती है ना वहाँ प्रिंटिंग कुछ खरीद के फिर आगे जयपुर जाया करो आप और जल्दी में हो तो कोई बात नहीं जयपुर से आगे जाओ वहाँ पे प्रिंटिंग होती है अच्छा प्रिंटिंग में प्रश्न क्या आते हैं प्रिंटिंग में प्रश्न आते हैं कि कौन सी छपाई में कौन से रंगों का प्रयोग होता है आर एस के पेपर उठा के देख लो हर बार ये प्रश्न पूछेंगे अजरक प्रिंट में कौन से दो रंग होते हैं बगरू प्रिंट में कौन से होते हैं जाजम प्रिंट में कौन से रंग होते हैं रंग पूछता है ठीक है तो बहुत आसान है जयपुर में कहाँ कहाँ होती बगुरु और सांगा नेर और लाल रंग तो होता ही है ठीक है जयपुर के जो लोग हैं सिटी के जो लोग हैं उनके दिल काले हैं दिखने में वो कैसे हैं लाल लाल अच्छा है नहीं लेकिन याद करने पड़ेगा जयपुर तो दिल्ली कल्चर आ गया ना हाँ तो बताओ जयपुर वालों के दिल कैसे हैं काले हैं तो बताओ जयपुर में दो प्रिंटिंग है एक बगरू प्रिंट री प्रिंट कौन से दो रंग लाल और काले आपको विश्वास नहीं होगा ये कम से कम डेढ़ सौ दो सौ बार आ चुका है ये प्रश्न बगरू प्रिंट में कौन से दो रंग हैं सांगनेरी प्रिंट में कौन से दो रंग हैं ठीक है इतना आसान है सांगनेरी प्रिंटिंग का जो राजस्थान बोर्ड में जो विवरण दिया है आ हा हा अभी मजा आ जाएगा देखो आपको पढ़ के क्या क्या घोल बनाते हो एकदम तो मस्त वाला फिर वो सांगानेरी प्रिंट निकल कर देखो पढ़ो तो जयपुर जिले में सांगानेरी प्रिंट है रंगों को स्टार लगा दो कौन से दो रंग है हा जयपुर वालों का दिल कैसा है काला है इसलिए और लाल तो होता ही है दिखने में लाल होते हैं तो लाल काले रंग का प्रयोग होता है चाहे सांगानेर हो चाहे बगरू दोनों जयपुर जिले में है अभी बताया मैंने आपको कौन सा नाला बहता है वहाँ अमानी शाह का नाला है उसी वस्त्रों को धोते हैं तो उससे एक चमक आती उसमें है उसमें डुबोते हैं अब देखो खास चीज आ गई आपके ध्यान से पढ़ो गोबर तिल्ली का तेल बकरी की मैंगनी सोडा इन सब को मिला के एक विशेष घोल बनाया जाता है और जो दुपट्टा आप अपने नाक पे लगा के बैठे हैं अबे है अभी, ना अपने नाक पे लपेट रखा है उस घोल में पूरी रात वो कपड़ा डूबा रहता है और फिर उसको अमानी और ढूंढ नदी के पानी से धोते हैं तो उसमें एक ऐसी चमक आती है मुझे लगता है बकरी की मैंगनी का उस चमक में काफी योगदान है <laughs> तो वो चमक आती है और फिर देखो आप ये लड़कियों ने उसको है ना चेहरे पे उसको जो है बांध रखा है खुशबू आ रही है ना? नियारी है, तो अच्छा ये कोई मेरा दिया विवरण नहीं है राजस्थान सरकार की गोबर की मैंगनी मैं तो <laughs> तो गो तिल्ली का तेल छोटे का मिश्रण बना के उस गोल में कपड़े को पूरी रात डुबोते हैं और फिर बाद में उसको एक हरड़ वो होता है ना हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला जो होता है हरड़ के गोल में डुबोते हैं और फिर कौन सी नदियों में नहलाते हैं उसको कपड़े को एक तो डू नदी और एक अमानिशा का नाला उसी से आती है फिर वो चमक है ना हाँ? वो नीचे दे रखा है वो आप देख लेना हमारी संस्था है ना जैसे रिको है राज सिग्रासी को करती है जो भी हस्तकला के लिए काम करते हैं उसके लिए राशि को पैसा वैसा देती है तो राज को के अधिकारी थे उनका नाम दे रखा राजस्थान बोर्ड में नाम देख लेना मुन्ना जी मुन्ना लाल गोयल बताओ सांगानेरी प्रिंट में कौन हेल्प कर रहा है मुन्ना हाँ तो मुन्ना लाल गोयल जो है हेल्प कर रहे हैं इन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से प्रयास करके मुन्ना जी ने सांगा प्रिंट को पूरी दुनिया में फेमस बनाने का प्रयास किया है देखो इसको फिर देखो नंबर टू प्रिंट कौन सा है बगरू प्रिंट कौन सा जिला है देखो। बोलो देखो। हाँ तो रंग बोल दो लाल, लाल लाल और काला कौन सा रंग है लाल, लाल। हाँ इनको दो दो बार पूछना पड़ता है तब बताती है महिलाएं बगरू प्रिंट में केवल कैसे रंगों का प्रयोग ज़्यादा है नेचुरल कलर्स सांगानेर में क्या नेचुरल नहीं था गोबर मैंगनी ये सब नेचुरल ही तो था मामला हाँ तो देखो यहाँ पे भी है तो इसमें रासायनिक रंगों का प्रयोग ज्यादा नहीं होता रासायनिक रंगों के बजाय यहाँ पे नेचुरल कलर्स का यूज ज्यादा होता है राम किशोर छिपा को दो स्टार लगाओ ठीक है आप जब भी जयपुर जाओ रास्ते में बगरू उतरो तो बगरू उतरते ही सीधा क्या पूछना हाँ राम किशोर कहाँ है राम किशोर जी छिपा कहाँ है ठीक है तो बगरू में सब बता देंगे पद्मश्री विजेता है पद्मश्री मिला है आप जानते हो पद्मश्री ऐसे वैसे को तो मिलता नहीं सचिन तेंदुलकर को पद्मश्री मिला था तेंदुलकर जैसे लोगों को पद्मश्री मिलता है ठीक है? तो फिर बाल तेंदुलकर तो बाद में दूसरे प्राइज भी मिले लेकिन पहले पद्मश्री मिला था तो देखो राम किशोर छिपा ठीक है कहाँ के किशोर बगरू के है ना राम किशोर बगरू देखा ना कई लोगों को हाँ देखो इसको तो बगरू प्रिंट में मुख्यतः बेल बूटों की छपाई का मामला है ब से बगरू बेल बूटे याद ही हो गया यह भी आर एस फ्री का प्रश्न है यही प्रश्न साधारण साधारण प्रश्न आते हैं कौन सी प्रिंट बेल बूटों की छपाई के लिए जाने जाते है नहीं ब से बेल बूटे ब से बगरू ब से बेलबूटे बस है बगरू हाँ और कुछ बस है हाँ बस है बाकी फीस जमा करा देना <laughs> देखो इसको <laughs> तो बगरू की छपाई जो है वो क्या? स्टार लगा दो बेलबूटो को बेलबुट्टो के लिए फेमस है बहुत ज्यादा ठीक है फिर अगला प्रिंट कहाँ का है बाडमेर का है वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ इसको भी है तो नाम तो अजरख है अजरख प्रिंट पर मैं इसको बोलता हूं अजगर प्रिंट सांप किसी को काट ले तो आदमी नीला पड़ जाता है और अजगर काट ले तो और नीला पड़ जाता है ठीक है बताओ कौन सा एक रंग तो होता ही होता है नीला। अरे नीला कहा होता है ये कौन नीला बोल रहे हैं पागल कौन है ये इतना समझाया तो भी नीला नीला बोल रहे हैं चाहे बगरू हो चाहे सांगानेर हो चाहे बाड़मेर का अजरक प्रिंट हो चाहे आकोला हो एक रंग फिक्स है लाल बाकी चेंज होते रहेंगे जैसे जयपुर वालों के दिल काले हैं तो बगरू प्रिंट और सांगानेर प्रिंट में लाल काला अजगर काट ले तो आदमी नीला पड़ जाता है तो लाल नीला है कि नहीं है हाँ आगे अकोला में पढ़ेंगे उसका अकोला चित्रगढ़ में वहां के प्रिंट को बोलते हैं जाजम प्रिंट वहां हरे रंग का प्रयोग है लाल हरा तो बाकी कलर चेंज होंगे लाल वही रहेगा लाल को नहीं छेड़ना है राजस्थान वालों को गुस्सा आ जाता है मिर्ची ज्यादा खाते हैं लाल लाल फिक्स है उनका हम जितनी मिर्ची खाते हैं बाकी लोग खाते ही नहीं है बाल बाहर वाले जब आते है राजस्थान में वो पानी <laughs> राजस्थान आयो खाओ थोड़ी से मिर्च ऐसा क्यों मिर्च से आता है पसीना पसीने से बॉडी रहती है ठंडी क्योंकि लुए चलती है समझ रहे हो ऐसे नहीं चेप रहे हाँ। तो बाड़मेर का कौन सा प्रिंट है अजरक प्रिंट है और अजरक प्रिंट जो है अभी बताया अजगर किसी को काट दिया ये तो याद करना ही पड़ा बाड़ बाड़ेर का अजगर है ना बाड़मेर का अजगर हाँ अजमेर से रंग हो गया नीला तो बताओ अजरक प्रिंट जो बाड़मेर की है उसमें कौन से दो रंग हैं <laughs> लाल और नीला अभी पड़ताया था बाड़मेर में बालोतरा शहर है लूणी नदी के किनारे सब लूणी नदी को बर्बाद करते हैं वहां के प्रिंटिंग का सारा केमिकल अब ऐसी बदबू आती है वहां से गुजरते हैं तब नाक बंद करनी पड़ती है भयंकर केमिकल्स की बदबू आती ठीक है तो हालत खराब है लेकिन फिर भी कपड़े अपने कोई पहनने तो ये देख लो तो अजरक प्रिंट बाड़मेर बाड़मेर का मलीर प्रिंट और आया वो आदमी पड़ेंगे हम लोग ठीक तो ये देख लेना लाल और नीला है बालोतरा भी फेमस है बाडमेर जिले का फिर अगला जाओ फिर स्टार लगा दो जाजम प्रिंट अब जाजम को पता नहीं कहीं कितना ने आजम भी लिख दिया आजम सही थोड़ी है जाजम सही है जाजम कहा की जाजम आकोला की जाजम आकोला के छीपे इतने फेमस है आजकल उसको कहते हैं छीपो का अकोला वही जिला चित्तौड़गढ़ है अच्छा जाजम समझते हो जाजम समाज में जाजम बिछाई जाती जब जाजम बिछाई जाए तो ऐसा लगे कि गार्डन में बैठे हैं लॉन में बैठे तो बताओ जाजम कौन से रंग की करूं लॉन का फीलिंग तभी आएगा जब हरा होगा बस परमानेंट याद होगी आप जब तक तो मरोगे तब तक तो याद रहेगा आपको जाजम जो जाजम प्रिंट आकोला है उसमें कौन सा रंग है हाँ कई लोगों को बुरा लगता है मैं मेरे आपके मौके से अभी हमारे मरने की बात क्यों कर रहे हो अरे मैं मरूंगा तब तक तो मुझे भी याद रहेगा चिंता मत करो ठीक है जाजम प्रिंट कहाँ का है चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला का है वहां पे लाल और लाल तो फिक्स है लाल और हरा देखो इसको तो याद कर लो जाजम प्रिंट जो है चित्तौड़ के आकोला में है छिपो का अकोला कहते हैं इसको चिपे बड़े फेमस हैं रंग कौन कौन से लाल के साथ हरा याद कर लेना है आपको ठीक है फिर बाड़मेर चलो वापस पहले तो कहते हैं ना अजरक प्रिंट में बाड़मेर अब वापस चलो मलीर प्रिंट ठीक है मलीर प्रिंट अच्छा बाड़मेर में अब तो थोड़ा विकास हो गया है पहले तो बाडमेर में कुछ अब तो इंदिरा गांधी नहर के पानी में पहुंच गया है सब हो गया है। पहले बाड़मेर में पीने को पानी नहीं था तो नहाने को कहा से होता फिर है ना हाँ तो लोग जब नहाते नहीं थे तो कैसे रहते थे मेले मेले इसलिए कौन सा प्रिंट हाँ बाडमेर के लोग मेले मेले रहते थे तो मलिए प्रिंट और आप ऐसा करना एक बार दो तीन महीने मत नहाना तो आप देखना आप काले हो जाओगे कि गोरे हो जाओगे काले मेल की परतों परते चढ़ जाएगी ठीक है तो बताओ जब आदमी मेला होता है तो कौन सा रंग का हो जाता है बस याद हो गया आपको मली प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग होता है हाँ, मली प्रिंट में काला और कत्थई रंग लाल है ही नहीं बिल्कुल इतना महल चढ़ा लाल वाल सब गायब हो गया ठीक है कैसा हो गया आदमी काला कत्थई हाँ कत्थे का रंग भी वैसा सही होता है तो बताओ राजस्थान में एकमात्र ऐसा कौन सा प्रिंट है जिसमें काले और कथई रंग का प्रयोग होता है कहाँ के लोग मली प्रिंट बाड़मेर मैंने तो ऐसी कहानी सुनी है बाड़मेर के लिए हालांकि अब तो सही नहीं है लेकिन पुरानी कहानी है सुना है मैंने ऐसा ठीक है ऐसा ऐसा हुआ होगा वहां पे बताते हैं कि जो बिल्कुल रेगिस्तानी एरिया है वहां नहाने के लिए पानी नहीं होता था तो पानी का बड़ी मुश्किल से एक टब कुछ होता था उसमें नहाते थे अब घर में अगर पांच सदस्य हैं और केवल वो टब ही है अच्छा पानी ढोल दिया तो फिर दूसरा नहाएगा तो उसी टब में ही नहाना है और जो घर में सबसे साफ है वो सबसे पहले नहाता था ताकि पानी कम से कम गंदा हो और जो सबसे गंदा है वो सबसे लास्ट में तो गंदा गंदा ही रह जाता था ऐसी <laughs> मैंने स्टोरी सुनी अब भगवान सच्चाई कितनी है लेकिन मली प्रिंट आपको याद हो जाएगा ठीक है तो देखो इसको तो ये हो गया है फिर देखो आगे भ से भीलवाड़ा भ से भोडल की छपाई अच्छा आपने ऐसी महिलाएं देखी है जो ऐसे ही टाइप के से कपड़े पहन करके आती है देखा ही नहीं जाता तो है उनकी तरफ इतना होती है है ठीक अरे वो नहीं, वो नहीं कर रहा लिपस्टिक वाला वो नहीं कर रहा हूँ उनके कपड़े ही वो चमकते हैं छम चम छम छमा ऐसे कपड़े टाइप के तो वो होती है भोडल की छपाई भीलवाड़ा जिले के अंदर जो भोडल भीलवाड़ा आप जानते हो ना वस्त्र नगरी है राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं इंग्लैंड में एक शहर था आज भी है। टीम है ना, की, कच्चा माल सूती वस्त्र जो कपास होता है वो कपास सारा इंग्लैंड के अंग्रेज लोग यहाँ से भारत से छीन के मैनचेस्टर भेज देते थे यहाँ के बेचारे वस्त्र का, का काम करने वाले बुनाई करने वाले रोते रह जाते थे उनको कपास ही नहीं मिलता था अंग्रेज सारा जब राजा थे ना हमारे माई बाप थे अंग्रेज तो सारा कपास छीन करके कहाज देते थे सारा सारा लार्ज स्केल पे कच्चा माल वहां उगता नहीं है तो भारत से लूट के कपास में फिर वो सारा माल तैयार करके फिर वापस वही तैयार कपड़ा भारत में भेजते थे अब यहाँ का कोई बेचारा बुनाई करने वाला वस्त्र को बनाने वाला व्यक्ति है अब वो उस मशीनों से प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकता तो यहाँ का टी शर्ट कितने का यहाँ का टी शर्ट पांच सौ रुपए का वहां का टी शर्ट कितने का दस का अब बताओ लोग लोग क्या खरीदेंगे भारत तो लोग तो तो भारतीय देशभक्त होते ही वैसे ही वैसे उनको जब सस्ता मिल रहा है तो फिर वो क्या करते हैं तो वो सस्ते खरीदेंगे पक्की बात है इस तरह भारत में पूरा हथकरघा उद्योग वस्त्र उद्योग बर्बाद हो गया था अंग्रेजों के समय में ये बात समझ में किसको आई बापू को गांधी जी को तो गांधी जी ने कहा एक ही रास्ता है पहले तो हमारे वस्त्र उद्योग को खड़ा करो तो फिर उन्होंने चरखा सुना आपने हाँ चरखा कातना शुरू किया विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई उन्होंने कहा अंग्रेजों को सबसे ज्यादा फायदा इसी वस्त्र से हो रहा है तो विदेशी वस्त्र न सिर्फ पहनो और फिर उसको जलाओ क्या करो उसको भारतीय संस्कृति ना होली जलाने की परंपरा गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट थे तो क्यार होली दीपावली से जोड़ो उसको तो वो होली जलाने का लोगों को शौक होता ही है ना बच्चों को तो भी मजा आता वो कपड़े जला रहे है ना बच्चे तो बहुत खुश विदेशी वस्त्रों की होली में बच्चों को बड़ा मजा आया उनका वो कब कर रहे हैं और होली ठीक है तो इतनी गहरी बात उनको समझ आई कितना सरल रूप में उन्होंने लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया पीछे कितनी लंबी चौड़ी अर्थव्यवस्था का जो है गहन अध्ययन उनका रहा होगा ठीक है समझ गए आप इसको तो भोडल की छपाई भ से भोडल भ से राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा वहां होती है क्या खासियत है वो सुन लो

यहाँ तक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे अब कुछ कुछ है, मुझे दुर्लभ फैक्ट भी मिल गए तो मैंने डाल दिए हैं जैसे नागौर में एक जगह है मारोट और कुचामन वहां की सुनहरी छपाई फेमस नागौर में बहुत पैसा है आजकल लोगों के पास तो सोने की छपाई कर रहे हैं सुनहरी छपाई कहा कुचामन और मारोठ में तो ये आप देख लेना और चार लाइन नीचे देख लो जैसलमेर की दिखेगी आपको रेस्ती छपाई है ना जैसलमेर की कौन सी छपाई है हाँ रेगिस्तान से बना होगा रेस्ती मुझे लगता है रेगिस्तान से रेस्ती भाई ऐसे याद कर लो जैसलमेर में पीछे मैंने कुछ चीजें लिखवा दी है जैसे मैंने बताया जाओ लकड़ी के ठप्पे होते हैं उससे छीपा लोग प्रिंटिंग करते हैं उन लकड़ी के ठप्पों को बतकाड़े कहा जाता है आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में ये बतकाडे क्या होते हैं समझ गए इसका बतक से कोई लेना देना नहीं है बतकाड़े जो है लकड़ी के ठप्पे हैं जिनसे छीपा लोग छपाई करते हैं बतकाड़े को स्टार लगा दो ठीक है अब कौन बनाता है ये लकड़ी के ठप्पे तो उस जाति को स्टार लगाओ ऑनलाइन करके खेरा दी जाती के जो लकड़ी का काम करते हैं और वो लकड़ी के ठप्पे बनाते हैं जिनको बतकाड़े भी कहा जाता है भांत भी कहा जाता है भांति भांति के ठप्पे बनाते हैं उसको भांत भी बोलते हैं ऑनलाइन कर लो ठीक है तो बतकाड़े कर लेना भात कर लेना ये हमारा पहला हस्तकला में पहला टॉपिक हो गया है जिसका नाम है प्रिंटिंग यानी कि छपाई अब है रंगाई कलरिंग रंगाई